हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मोहिनी। आज हम करने जा रहे हैं डायनामिक्स यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्ट टाइप। देखिए बच्चों, अ प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी स्मॉल इनफ टू बी रिगार्डेड एज अ पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन ऑब्लिक टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। प्रोजेक्टाइल बच्चों एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम थ्रो करते हैं एज ए वेपन। जैसे हमने फायर किया बुलेट, ठीक है, गन से, तो वो एक प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल है। तो प्रोजेक्टाइल सिंपली एक क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, ठीक है, जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं विद सम वेलोसिटी। ओके, चलो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया बॉल का, जैसे हमने खड़े होके एक बॉल को फेंका, हमें क्या दिखेगा कि बॉल पहले हाइट पे जा रही है, देन वो डाउन जा रही है, देन ग्राउंड पे गिर जाती है। तो जो मोशन को वो कवर करती है वो मोशन होता है हमारा पैराबोलिक मोशन, ठीक है। जैसे बॉल को हमने यहाँ पे खड़े होकर मैंने फेंका तो किसी वेलोसिटी से जाएगी, और कैसे कहाँ जाएगी, ग्राउंड पे फिर गिर जाएगी, ठीक है। तो ये मोशन होता है बच्चों पैराबोलिक मोशन, ठीक है। पाथ ने जैसे जैसे ये ऐसे पाथ को कवर किया, जिस ट्रेस किया उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। और जिस भी एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया है विद हॉरिजॉन्टल, ये होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमारा यहाँ पे बता रखा है कि द पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, एंड बाय द एंगल बॉडी इज प्रोजेक्टेड उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं हम, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विद वेलोसिटी u इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल टू फाइंड इट्स मोशन एंड पाथ डिस्क्राइब। चलिए बच्चों, जैसे डायग्राम मुझे दिख रहा है, पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। क्या दिख रहा है मुझे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। चलो यहाँ पे खड़े होके मैंने अपनी बॉल को फेंक दिया विद वेलोसिटी u एंड एंगल अल्फा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखा जाए कि u तो है इसकी वेलोसिटी, क्योंकि अगर पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, तो उसको मैंने u मान लिया, ठीक है बच्चों। और अल्फा एंगल से मैंने उस बॉल को फेंक दिया। अब जैसे हमने मूव किया, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया कि पी पोजीशन है पार्टिकल की या प्रोजेक्टाइल की विद एक्स एंड वाई इट्स एक्सेस, एंड थीटा यहाँ पे एंगल है। ओके, देन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गया और यहाँ पे ग्राउंड से मिल गया, ठीक है। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये क्या है, पैराबोलिक शेप, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखो इसने क्या बोला है, लेट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ बी टेकन एज द ओरिजन एंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ओ एक्स एंड ओ वाई थ्रू ओ एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो बताया है सेम, ठीक है। इफ यू इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन द रिजोल्ड। बच्चों एक नई चीज हमने यहाँ पढ़ी है, क्या, रिजोल्ड। देखो बच्चों, जैसे ये है कोई भी एक्सिस, लेट एक्स एक्सिस, ठीक है, अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है एट एनी एंगल, अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड है, जो भी मैं बात करना चाह रही हूँ उसके लिए इंक्लिनेशन ज़रूरी है, तो हम इस फोर्स को रिजोल्व कर पाएंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जैसे एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा। बच्चों एक बात ध्यान देने लायक ये है कि इस फोर्स को अगर हम रिजोल्व कर पा रहे हैं तो जस्ट इस एंगल के कारण, अगर फोर्स इंक्लाइंड नहीं है तो हम रिजोल्वमेंट नहीं कर सकते। सेम यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल अल्फा से अल्फा है उससे ये इंक्लाइंड है, तभी हम ये वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली रिजोल्व कर पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी यू कोस अल्फा, वर्टिकली वेलोसिटी यू साइन अल्फा। ये मैंने यहाँ पे, ये इसने लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, लेट पी एक्स वाई बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। ओके, मैं बता चुकी हूँ किसी टाइम टी पे हमने उसको नोट कर लिया पोजिशन को। ड्यूरिंग द मोशन द ओनली फोर्स, देखो बच्चों पूरे मोशन में सिर्फ मुझे एक फोर्स दिख रहा है, ये मास, और मास एम जी ग्रेविटी,
क्योंकि बॉल अगर नीचे आ रही है इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे आ रही है, ठीक है। तो ओनली एक वर्टिकल फोर्स जो है mg, वही है हमारा, और कोई फोर्स नहीं लग रहा कहीं भी, ठीक है। तो रिजोल्वमेंट जैसे मैंने तुम्हें स्टैट में भी सिखाया था, क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, मास m डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू इज इक्वल टू जीरो क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजेंटल कोई भी फोर्स मेरा नहीं है इसलिए जीरो, ठीक है। तो ये दो की प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब कोई एक जीरो होगा, मास जीरो हो नहीं सकता, तो ये वाली टर्म जीरो होगी, डी टू एक्स अपॉन में डी टी टू इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, जैसे हमने वर्टिकल के बारे में बात की, वर्टिकल मैंने अभी बोला तुम्हें कि वर्टिकल में एक हमारा फोर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और वर्टिकल ओरिजिनल के लिए एक्स, वर्टिकल के लिए वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए हमारा नेगेटिव। ओके बच्चों, एम से एम कैंसिल, हमारा ये आ गया। चलिए अब इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक इंटीग्रेशन से एक डेरिवेटिव कैंसिल, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्या आ जाएगा सिंपल कॉन्स्टेंट सी वन, डी वाई बाय डी टी माइनस जी टी प्लस सी टू, सी वन सी टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। चलिए बच्चों, हमें पता है इनिशियली हमारी वेलोसिटी भी जीरो होती है, टाइम भी जीरो होता है, अगर टी जीरो, देखो बच्चों ये क्या है, डी एक्स बाय डी टी वेलोसिटी दिख रही है ना, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी हॉरिजेंटल क्या लॉन्ग लूंगी, तो क्या है ऊपर हमने लिखा है यू कोस एल्फा, वर्टिकल क्या लूंगी यू साइन एल्फा। अब क्या दिख रहा है मुझे, यू कोस एल्फा सी वन, यू साइन एल्फा सी टू, तो सी वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सी टू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ओके बच्चों, चले आगे, चलिए देन वैल्यू पुट करके हमारे इक्वेशन नंबर थ्री और फोर हमारे पास आ चुकी हैं। इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर वी हैव, इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसके हिसाब से, टी के हिसाब से, तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, यहाँ एक्स आ जाएगा, यू कोस एल्फा इंटू टी प्लस सी थ्री, सेम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके बच्चों, और मैंने भी बताया तुम्हें इनिशियली हमारा टाइम जीरो होता है, कंपोनेंट जीरो होते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ एक्स जीरो टी जीरो तो सी थ्री जीरो, वाई जीरो टी जीरो टी जीरो तो सी फोर जीरो, सारा जीरो के हमारी ये इक्वेशन आ जाएंगी। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कैसा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट, और एक कैसा है वर्टिकली। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है बच्चों, टी को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स अपॉन में यू कोस अल्फा, यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, सॉल्व कर लो, इक्वेशन नंबर सेवन हमें मिल जाएगी। ये क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ लेगा, तो ये क्या है, पैराबोला, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पैराबोला की शेप पता है, उसमें सब कुछ होते हैं, तो हमें निकालने हैं। तो देखो बच्चों, ट्रेजेक्ट्री ले ली मैंने, अभी भी मैंने प्रूव किया है ऊपर, तो मैंने ये ले ली, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, मुझे एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट वन चाहिए, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम लेके आ रहा है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो मैं इससे इसका उल्टा लेके डिवाइड कर दूँ मल्टीप्लाई। तो मैंने देखो 2 यू स्क्वेयर को स्क्वेयर अल्फा अपोन में जी, इससे मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ पे मेरा 1 आ जाए, ऐसा कोफिशियंट 1 आ जाए, ये आ जाएगा बच्चों। देन हमने क्या किया बच्चों, क्योंकि मुझे ऐसा आ रहा है याद, होता ही है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, मुझे इस टाइप की इक्वेशन चाहिए पैराबोला के लिए। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, या एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। जैसे कैसे बनाते हैं कंप्लीट स्क्वायर, जैसे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में जी एक्स। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कैसे बनाते हैं बच्चों कंप्लीट स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू एक्स वाई, या फिर हम कैसे बनाते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई। ओके बच्चों, जैसे मैं अब जैसे मैं ये बनाना चाह रही हूँ, इस फॉर्म से ये फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, तो देखो बच्चों, ये तो एक्स स्क्वेयर की फॉर्म है, क्या ये वाई स्क्वेयर की फॉर्म है, नहीं, तो किसकी फॉर्म है, टू इंटू एक्स इंटू वाई की, टू भी है एक्स भी है, तो बच्चा ये क्या हो गया बच्चों, वाई, तो यू स्क्वेयर साइन अल्फा कोस अल्फा
बाय जी, ये मेरा वाई हो गया, इसके स्क्वायर को ऐड भी कर लिया, सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक है, या फिर एडिंग कर ली, क्योंकि सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे तो वहाँ जाके ऐड ही हो जाना है, तो ये हो गया बच्चों। तो ये मेरा क्या बन गया, कंप्लीट स्क्वायर बन गया, आ गया ये। तो इसको कंपेयर कर लो बच्चों इस इक्वेशन से, ये हाइट, ये लेटेस्ट रेक्टम, सब सभी कंपेयर कर लो, एच के एल सारा आ जाएगा। यहाँ पे क्या किया, जस्ट थोड़ा सा इसने क्या किया, यू स्केयर साइन अल्फा कोस अल्फा, वो बनाने के लिए फॉर्मूला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यू स्केयर बाय 2g, ऊपर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा साइन 2 अल्फा, ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलो वर्टेक्स, जैसे पहले वर्टेक्स लेटेस्ट रेक्टम निकालने से पहले हमें पैराबोला की शेप का पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस थोड़ा सा सीधी लाइनें नहीं है, समझ जाना, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये पैराबोला की शेप, ये हमारा क्या है फोकस A0, ये क्या होता है लेटस रेक्टम, और इससे यहाँ पे इतनी ही डिस्टेंस पर -A0, ये होते डायरेक्ट्रिक्स होती है ना, ठीक है बच्चों, ये होता है वर्टेक्स, कर पाएंगे। तो हमें ये शेप याद रखनी है, और ये शेप याद रखने के लिए जो बुक में दे रखी है वो समझो, देखो ये शेप ऐसे पढ़ेंगे आप कि ये पैराबोला है, ये फोकस है, ये लेटस रेक्टम है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये सब याद रखेंगे आप, ओके बच्चों। चलिए तो आप ये आपको ये पढ़नी है, सेम जो मैंने अभी बताया तुम्हें वैसी ही है। चलिए अब तुम्हें सिखाते हैं आगे। चलो ए वर्टेक्स है तो एच के क्या होते हैं उसके कोऑर्डिनेट, तो एच की वैल्यू भी मेरे पास है, के की वैल्यू मेरे पास है, सीधा लिख दिया। लेटेस्ट रेक्टम एल, एल भी मेरे पास ऊपर है, बस जस्ट सिंप्लीफाई 2/z, इसको मैंने क्या लिख दिया, यू कोस अल्फा स्क्वायर। अब यू कोस अल्फा तो मैंने तुम्हें आर्टिकल के स्टार्टिंग में बताया था, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके बच्चों, इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। फोकस, फोकस जैसे इसने एस फोकस का नाम एस से दिया है, द एप्सिसा, एप्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट होती है वाई एक्सिस, एप्सिसा ऑफ द फोकस इज द सेम एज द एप्सिसा ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स का एप्सिसा फोकस का और वर्टेक्स का सेम होता है, ठीक है। सब कुछ पढ़ने से पहले आप पैराबोला के ज्योमेट्रिकल शेप ध्यान में रखेंगे तब हो पाएगा। द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, हाइट ऑफ द फोकस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो बच्चों ऑर्डिनेट, देखो ये एक्स एक्सिस एप्सिसा, ये वाई एक्सिस, ये हाइट, ये हाइट क्या होगी, ये देखो ये है मेरा ए ज़ीरो, मतलब इसका क्या होता है ये ए ज़ीरो, ये पूरी क्या है लेटेस्ट रेक्टम, तो यहाँ से हम क्या लिख पाएंगे हाइट ऑफ द फोकस अबो एक्स एक्सिस, कैसे, पूरी वर्टेक्स की एंड देन 1/4, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है तो हमें a चाहिए यहाँ पे, तो 1/4 और 4a, 4 से 4 कैंसिल, a बच जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर ली, इसको सॉल्व कर लिया। ये सारे बच्चों स्पेशल केसेस हैं, फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालने का, ये आप लोग अपने आप से पढ़ेंगे और प्रॉब्लम लेंगे, ओके। चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, देखो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम ऑफ फ्लाइट इज अ टाइम डैट इलेप्सिस फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन टिल द पार्टिकल रीचेज द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज जितना भी टाइम वो लेता है पहुंचने में, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, टेकिंग वाई ज़ीरो एंड टी इज इक्वल टू टी, देखो बच्चों टाइम व्हेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई ज़ीरो ले लिया और टाइम टी को मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया, वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, अभी मैंने यहाँ पे सोल्व करवाए थे एक्स और वाई, तो वाई मेरा क्या है यू साइन अल्फा टी दिस, ओके वाई को ज़ीरो लिया, टी टाइम को कैपिटल टी ले लिया, सोल्व कर लिया। अब देखो बच्चों दो नंबर की प्रोडक्ट ज़ीरो है, या तो पहले वाला ज़ीरो या दूसरे वाला ज़ीरो, पहले वाला ज़ीरो या दूसरे वाला ज़ीरो, इधर टी ज़ीरो और दिस, ओके यहाँ से टी ज़ीरो और यहाँ से टी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अगर मैं टी टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ तो टाइम होगा तो इसको रिजेक्ट कर देती हूँ, तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा ये। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर द पार्टिकल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल रेंज कि यहाँ से प्रोजेक्ट किया था कहाँ जाके गिरा ये, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी बच्चों, ठीक है, जहाँ से शुरू किया था जहाँ पे गिरा वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। आर को मैंने रेंज का नाम दे दिया, आर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो क्या था यू कोस अल्फा और टाइम, जितना टाइम लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने अभी भी निकाला है बच्चों, ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके हो जाएगा, ये रहा
ट्वाइस द एप्सिस ऑफ द वर्टेक्स. अभी वर्टेक्स जैसे मैंने यहाँ पे वर्टेक्स का एच लिया था ना, ये तो ये एप्सिसा है इसकी. चलो आगे. और मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू द ओरिजेंटल रेंज दिस विल बी मैक्सिमम. देखो बच्चों, यू और जी नो चेंज. चेंज किस में होएगा? साइन एंगल में. और जैसे हमें पता है साइन जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम ये उसका ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है. ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1. तो मैक्सिमम कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी. तो मैंने साइन एल टू अल्फा को 1 रखा, साइन टू अल्फा को मैंने 1 रखा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाय 4. तो मैक्सिमम ओरिजेंटल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी. ओके, ये 1 हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाय जी. ग्रेटेस्ट हाइट. देखो बच्चों, जैसे मैंने 3 आइडेंटिटी पढ़ रखी है फिजिक्स में भी, तो ये एक आइडेंटिटी है. माइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस 2gh, ठीक है. वी ग्रेटेस्ट हाइट, इट इज अ हाइट, ग्रेटेस्ट वर्टिकल हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल एट द ग्रेटेस्ट हाइट. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट वैनिश. ग्रेटेस्ट हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट जो है, इसने बोला देखो, एट द ग्रेटेस्ट हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी मस्ट वैनिश. देयरफॉर इफ एच इज द ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट हाइट एच है, कैपिटल एच मैंने मान लिया है, तो 2gh में कैपिटल एच ले लिया मैंने, और वर्टिकल वेलोसिटी 0, ओरिजेंटल यू साइन अल्फा स्क्वायर, ठीक है. यहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली बच्चों. कर पाएंगे? ये सारे आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं, कल मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगी. ओके बच्चों, एग्जाम्पल पहला देखो एक बार, बहुत आसान है. ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विद द ओरिजेंटल. फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने हैं. यू दे रखा है बच्चों, अल्फा एंगल दे रखा है. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin अल्फा बाय जी, 2u की वैल्यू, sin अल्फा की सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला मेरे पास है, सारी वैल्यूज हैं. ग्रेटेस्ट हाइट का फॉर्मूला है मेरे पास, सारी वैल्यूज हैं. तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने. बाकी जो भी बचे हुए क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे ज़्यादा ही हैं, कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है. फिलहाल इतना पढ़ेंगे और पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन नहीं और, ठीक है. ओके बाय.